नमस्ते फ्रेंड्स, विद द ब्लेसिंग ऑफ अवर टीचर्स एंड हनुमान सर, वी स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ ऑर्गेनन टुगेदर। एफोरिज्म नंबर 22। But as nothing is to be observed in disease that must be removed in order to change them into health, besides the totality of their sign and symptoms, and likewise medicine can show nothing curative besides their tendency to produce morbid symptoms in healthy person and to remove them in diseased person. तो क्या बोल रहे हैं हनुमान सर कि डिजीज में ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा उसको हेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ टोटालिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। यानी हम जब कोई पेशेंट आता है तो उसको क्या पूछते हैं, आपको तकलीफ क्या है, आप क्या फील करते हो, पेन कहाँ से कहाँ जाता है, जैसे हम लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट, वो और डिजीज शुरू कब से हुआ, कितने साल पहले हुआ, तब क्या क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो हम क्या लेते हैं ना, पूरा टोटालिटी लेते हैं, पूरी टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स पेशेंट का समझते हैं, साइन एंड सिम्टम्स को। तो ये साइन एंड सिम्टम्स जो है, जो साइन यानी हमें दिखता है, सिम्टम्स यानी जो पेशेंट फील करता है, हमें बताता है कि पेन यहाँ से यहाँ हो रहा है। पर अगर एब्सेस है तो एब्सेस हमें दिखता है, अगर पेन यहाँ है उसमें वीकनेस है तो वो हम क्या करते हैं, देखते हैं ना, उसका पावर चेक करते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से। तो ये तो डिजीज में ठीक करने का क्या है, वो दिखेगा नहीं, इट्स ओनली टोटालिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। एंड सेम इन मेडिसिन, कि उसमें क्यूरेटिव क्या है, क्या देख के पता चलता है लेकेसिस पॉइजन को कि ये ठीक करेगा, या आर्सेनिक को हम जैसे मेडिसिन पोटेटाइज करके हाँ सारी बॉटल में अगर हम भर देते हैं तो क्या हम बॉटल देख के तो पता नहीं कर सकते कि इसमें ये क्यूरेटिव है। इसको कैसे पता चलता है, जब हम इसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूव करते हैं, उसमें जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, फिर वही मेडिसिन उसके सिमिलर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को, साइन एंड सिम्टम्स को देते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये मेडिसिन ये साइन एंड सिम्टम्स को क्योर करती है, ये मेडिसिन का एक्शन यहाँ पर है। इट फॉलोज ऑन वन हैंड दैट मेडिसिन ओनली बिकम रेमेडी एंड कैपेबल ऑफ एनिहिलेटिंग डिजीज बिकॉज द मेडिसिनल सब्सटेंस बाय एक्साइटिंग सर्टन इफेक्ट एंड सिम्टम्स, दैट इज टू से by producing a certain artificial morbid state, removed and abrogates the symptoms already present to with the natural morbid state we wish to cure. जैसे मैंने बोला कि क्या करता है कि medicine जो है वो disease को annihilating, annihilating यानी जड़ मूल से नाश करना। तो जो disease है उसका जो remedy है वो कब capable हम समझेंगे, कि जब उसका आगे प्रूव हुआ है कि जड़ मूल से उसका हम डिजीज को नाश कर सके, बिकॉज द मेडिसिनल सब्सटेंस क्या करेगा, एक्साइटिंग सिम्टम्स पैदा करेगा, कहाँ पे, जब उसको हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूव करेंगे, फिर जब वो आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट क्रिएट हुआ और जो सिम्टम्स बने, क्या बोले, रिमूव एंड एब्रोगेट, यानी उसको रिमूव कर देते हैं, एब्रोगेट्स का मीनिंग भी यही है कि उसको दूर कर देना, द सिम्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट, जो ऑलरेडी सिम्टम्स मॉर्बिड स्टेट, ऑलरेडी नेचुरल मॉर्बिड स्टेट बनी है, तो वो बनी हुई नेचुरल स्टेट को हम मेडिसिन देंगे और वो क्योर हो जाएगा। तो बोल रहे ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, ऑन द अदर हैंड इट फॉलोज दैट द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स टू बी क्योर्ड अ मेडिसिन मस्ट बी सॉट which according to as experience shall prove whether the morbid symptoms are most readily, certainly and permanently removed and change into health by similar or opposite medicinal symptoms has tendency to produce similar opposite symptoms। यानी कि
एक हैंड पे हमने क्या किया कि मेडिसिन को प्रयोग किया, उसने जो साइन एंड सिम्टम्स दिए उसकी हमने टोटालिटी बनाई, फिर वैसा ही साइन एंड सिम्टम का सेट अलग पर्सन, जो डिजीज पर्सन है उसमें देखा, उसको सिमिलर मेडिसिन दी और वो मेडिसिन ने डिजीज को क्योर कर दिया, एनहिलेट कर दिया और वो हेल्थ में कन्वर्ट हो गया। तो दूसरी साइड क्या है कि अगर जो हम दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस कैसी है, टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स जो क्योर करने वाले हैं वो मेडिसिन जो है क्या वो अपोजिट है या सिमिलर है या कुछ अलग है, वो कौन से बॉडी बॉडी में कौन से सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगी, सिमिलर सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगी या अपोजिट सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगी। तो उसकी फुटनोट में हमने हनुमान सर ने आगे समझाया है कि द अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन ऑफ डिजीज बिसाइड दिस टू इज एलोपैथिक मेथड। ऑपोजिट सिमिलर ये दोनों को छोड़ के तीसरा कौन सा है, एलोपैथिक यानी एंटीपैथी, होम्योपैथी एंड एलोपैथिक, इन विच मेडिसिन आर गिवन हुज सिम्टम्स हैव नॉट डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन टू मॉर्बिड स्टेट। कि जो मेडिसिन वो किसके प्रूव करते हैं, एनिमल्स पे, रेट्स पे, रैबिट्स पे, डॉग्स पे, तो उसके ऊपर मेडिसिन प्रूव की तो उसका जो सेट ऑफ सिम्टम्स है, जो उसका डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिएक्शन है, जो मॉर्बिड स्टेट एक पर्सन की है उसके साथ डायरेक्ट कोई मैच नहीं है, नाइदर सिमिलर नॉर ऑपोजिट, ना तो सिमिलर है ना ऑपोजिट प्रोड्यूस करते हैं, बट क्वाइट हिटेरोजिनस, हिटेरोजिनस यानी डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, नॉट सिमिलर नॉट ऑपोजिट, अलग टू द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज एज शोन अबोव इन द इंट्रोडक्शन। यानी जो इंट्रोडक्शन हनुमान सर ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का दिया है उसमें उन्होंने सारे के सारे एलोपैथिक, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, एंटीपैथिक, सब कुछ उसमें, आइसोपैथिक इवन, सब कुछ उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो रिव्यू ऑफ थेरापेटिक्स, एलोपैथ एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट दैट हैव हिथारटो बीन प्रैक्टिस्ड इन ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, ये स्टेटमेंट आगे इंट्रोडक्शन में दिया है। मियरली इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स विच वेन मेड इल बाय नॉक्शियस एजेंट्स स्ट्राइव टू सेव इट्सेल्फ एट वॉट एवर सेक्रीफाइस बाय द प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूएंस ऑफ मॉर्बिड इरिटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। तो वाइटल फोर्स क्या करता है, ऑलरेडी नॉक्शियस एजेंट जो है, क्या नहीं क्या वाइटल फोर्स को किसने डायनामिकली डिरेंज किया, वो नॉक्शियस एजेंट्स जिन्होंने डायनामिकली वाइटल फोर्स को डिरेंज किया, वो वाइटल फोर्स ऑलरेडी विक है, ऑलरेडी सरवाइव कर रहा है खुद को बचाने या ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, तो क्या करेगा, या आइदर इट सेक्रीफाइज वॉट एवर, अगर वो अपने आप से ठीक कर रहा है वाइटल फोर्स तो क्या करेगा, आइदर कुछ ऑर्गेनिज्म को सेक्रीफाई करेगा या फिर कुछ और प्रोडक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस ऑफ मॉर्बिड इरिटेशन इन द ऑर्गेनिज्म एंड इमिटेशन कंसिक्वेंटली ऑफ द क्रूड वाइटल फोर्स विच वॉज इम्प्लांटेड इन अवर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रिजर्व अवर लाइफ इन हेल्थ इन मोस्ट ब्यूटिफुल हार्मनी, बट वेन डिरेंज बाई डिजीज वो सो कंस्टिट्यूटेड एज टू एडमिट ऑफ बींग अगेन चेंज टू हेल्थ होम्योपैथिकली बाय द इंटेलिजेंट फिजिशियन बट नॉट टू क्योर इट सेल्फ फॉर विच द लिटल पावर इट पोजेस सो इज सो फार फ्रॉम बींग अ पैटर्न टू बी कॉपीड दैट ऑल द changes and symptoms is produced in the organism are just disease itself, but this judicious system of therapeutics on the old school by medicine can no more be passed by unnoticed that can history omit to record the thousand of years of opposition of to which mankind has been subjected under the irrational despotic government। ये था एफोरिज्म नंबर 22 का फिफ्थ एडिशन का फुटनोट, सिक्स एडिशन का नहीं है फ्रेंड्स ये। सो हनुमान सर यहाँ बोल रहे हैं कि
जो वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है बाय द नॉक्शस एजेंट, वो अपने आप में कभी ठीक नहीं हो सकता, उसको सिमिलर मेडिसिन का हेल्प चाहिए। तो एक इंटेलिजेंट फिजिशियन जो है वो सिमिलर मेडिसिन क्या देगा, होम्योपैथिक देगा, क्योंकि वाइटल फोर्स जो है, जो हमारे सिस्टम को हार्मनी में चला रहा है, उसके पास अपने आप क्योर होने की ताकत नहीं है। आगे हम ऑपरिज्म में देखेंगे कि क्यों ये बोल रहे हैं। अगर डेंगू अपने आप ठीक हुआ है, वाइटल फोर्स ने अगर डेंगू को ठीक किया है, तो क्या होगा? तो हम देखेंगे कि डेंगू के बाद कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, या तो एसिडिटी बनी रही, या वीकनेस बनी रही, या सरदर्द बना रहा, या कुछ तो, क्योंकि कुछ वो सेक्रीफाइस करेगा, कुछ पार्ट को, वो पार्ट को सेक्रीफाइस करेगा या ऑल्टर्ड कर देगा उसकी शेप को। कि जब हम देखते हैं कि बोन, हम अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ तो हमने बोन जोड़ लिए, पर वो जो हीलिंग होगा वो कैसा होगा? अनईवन होगा। कहीं पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वहां पे अगर सिमिलर मेडिसिन नहीं गई, एलोपैथिक मेडिसिन से वो पेशेंट का जो है डिजीज अगर कंट्रोल में है, ऐसे बोले तो भी उसको स्टिफनेस और समय के चलते ये जॉइंट्स जो है वो अलग शेप ले लेंगे, यानी वो ऑर्गन को क्या करेंगे, मॉडिफाइड कर देंगे, उसमें चेंज लाएंगे। ये आगे आएगा एफोरिज्म में, आई थिंक सो 80 या उससे आगे दिखते। तो हनुमान सर बोल रहे हैं कि अभी एफोरिज्म नंबर 22 की फुटनोट नंबर 6, सॉरी फुटनोट नंबर 6 एडिशन की फुटनोट पढ़ते हैं हम, कि द अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन ऑफ डिजीज बिसाइड दिस टू इन एलोपैथिक मेथड इन विच मेडिसिन आर गिवन हुज सिम्टम्स हैव नो डायरेक्ट पैथोलॉजिक रिलेशन टू द मॉर्बिड स्टेट, नाइदर सिमिलर नॉर अपोजिट, बट क्वाइट हिटेरोजेनस टू द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। दिस प्रोसीजर प्लेज, एज आई हैव शोन एल्सवेयर, एन इरिस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम विद द लाइफ ऑफ पेशेंट बाय मीन्स ऑफ डेंजरस वायलेंट मेडिसिन हुज एक्शन इज अननोन एंड विच आर चूजन टू मियर कंजेक्चर एंड गिवन इन लार्ज एंड फ्रिक्वेंट डोजेज। तो क्या बोल रहे हैं हनुमान सर कि यहाँ पे जो मेडिसिन एलोपैथिक दे रहे, जो जो क्या है, सिमिलर भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट, जिसकी एक्शन कुछ पता नहीं है। दिस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर कैसी है? एक तो इरिस्पॉन्सिबल है, सब जगह से ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इरिस्पॉन्सिबल, और मर्डरस गेम है, किसके साथ? लाइफ ऑफ पेशेंट के साथ, बाय मीन्स ऑफ डेंजरस वायलेंट मेडिसिन। जो ये मेडिसिन है वो कैसी है? वायलेंट है, डेंजरस है, और जिसकी एक्शन जो है वो सिर्फ काल्पनिक है, और गिवन इन अ लार्ज डोजेज एंड फ्रिक्वेंट डोजेज इन ग्राम्स, 2 ग्राम, 1/2 ग्राम, 1 ग्राम, एंड फ्रिक्वेंट डोजेस 3 टाइम्स अ डे, 4 टाइम्स अ डे, every 2 hourly। तो ये सब जो है, अगेन बाय मीन्स ऑफ पेनफुल ऑपरेशन इंटेंडेड टू लीड द डिजीज ऑफ द रीजियंस एंड टेकिंग द स्ट्रेंथ एंड वाइटल जूसेस ऑफ द पेशेंट थ्रू इवेक्यूशन अबो एंड बिलो स्वेट और सलाइवेशन, बट स्पेशली थ्रू स्क्वेंडरिंग द इरिप्लेसेबल ब्लड एज इज डन बाय द रिगिनिंग रूटीन प्रैक्टिस यूज ब्लाइंडली एंड रिलेंटलेसली यूज विद द प्रिटेक्स दैट द फिजिशियन शुड इमिटेट एंड फर्दर द सिक नेचर इन इट्स एफर्ट टू हेल्प इट सेल्फ विदाउट कंसिडरिंग हाउ इरेशनल इट इज टू इमिटेट एंड फर्दर दिस वेरी इम्परफेक्ट मोस्टली एंड इन अप्रोप्रिएट एफर्ट्स ऑफ इंस्टिंक्टिव अन इंटेलिजेंट वाइटल एनर्जी विच इज इम्प्लांटेड इन अवर ऑर्गेनिज्म सो लॉन्ग एज इट इज हेल्दी टू कैरी ऑन लाइफ इन हारमोनियस डेवलपमेंट बट नॉट टू हील इट सेल्फ इन डिजीज। तो क्या करें कि ये सब मेडिसिन जो है उसका वाइटल फोर्स पर एक्शन कितना डेंजरस है, कि जो हेल्दी कंडीशन में तो बॉडी के हर एक सिस्टम ऑर्गन सबको हारमोनी में रखता है, पर वो अनइंटेलिजेंट है,
उसके खुद के पास उसका खुद को ठीक करने का पावर नहीं है फ्रेंड्स, तो वाइटल फोर्स अपने आप ठीक नहीं होगा। तो बोल क्या रहे कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है, हनुमान सर के टाइम में वो एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा पेनफुल हुआ करती थी, और ज्यादा कैसी थी, तो इवेक्यूएशन था, पेनफुल ऑपरेशंस थे, वाइटल जूसेस और स्ट्रेंथ को क्या करते थे, रुइंड करते थे, है ना, कि इवेक्यूएशन कराना, डायरिया प्रोड्यूस करे, वॉमिटिंग प्रोड्यूस करे, स्वेट्स को ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो ये सब प्रैक्टिसेस उनके टाइम पे बहुत ज्यादा पेनफुल और बहुत ज्यादा ही खराब थी, रैश थी, इसलिए हनुमान सर का गुस्सा इसलिए ज्यादा था। तो इरिप्लेसिबल ब्लड एक बार गया, क्योंकि पहले बिना सेक्शन करते थे, तो बिना सेक्शन में क्या करते थे, जो पार्ट पेनफुल है, कंजेस्टेड है, वहां पे कट लगा के वो ब्लड को ड्रेन आउट करते थे। क्यों करते थे, तो उसके कारण वो एरिया का थोड़ा ब्लड कम हो जाए, ताकि कंजेशन कम हो जाए, वो कंजेशन कम होने की वजह से वहां पे पेन में रिलीफ होती थी। तो जो ये सब जो भी मेथड थी, ये सब कैसी थी, शास्त्र, वो बोलेंगे हमने जो बोल दिया वो हो गया और यही परफेक्ट है, यही सही है। तो वो मेथड जो थी वो वाइटल फोर्स को और ड्रेंज्ड ही करेगी, क्योंकि वाइटल फोर्स एक एनर्जी है, उसको एनर्जी ही चाहिए, डायनामिक को डायनामिक ही चाहिए। फॉर वेयर इट पॉसिबल ऑफ सच मॉडर्न एबिलिटी, इट वुड नेवर हैव अलाउड द ऑर्गेनिज्म टू गेट सिक व्हेन मेड इल बाय नॉक्शियस एजेंट्स। अगर कुछ बाहर से कोई नॉक्शियस एजेंट नहीं है, तो वाइटल फोर्स के अंदर वो पावर है कि जो वो ऑर्गेनिज्म को कभी भी बीमार ना होने दे। सी, अगर कुछ भी बाहर से, एनवायरमेंट से कोई इफेक्ट नहीं है, कोई हमेशा एक इंटरेक्शन चलता रहता है ह्यूमन लाइफ और एनवायरमेंट में, अगर बाहर से कोई नॉक्शियस एजेंट का इफेक्ट नहीं है, तो ये वाइटल फोर्स ऑर्गेनिज्म को कभी बीमार नहीं होने देगा, नेवर अलाउड। तो क्या हुआ, वाइटल फोर्स बीमार हुआ डायनामिकली, जैसे आगे हमने समझा, इमोशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर, कैसे फैक्टर, वेक्सेशन, एंगर, फियर, गिल्ट, ये सारी नॉक्सियस एजेंट्स ने वाइटल फोर्स को सिक किया। व्हेन मेड इल बाय नॉक्सियस एजेंट, अवर लाइफ प्रिंसिपल कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स देन एक्सप्रेस इट्स डिप्रेशन कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस ऑफ रेगुलरिटी ऑफ इट्स लाइफ बाय सिम्टम्स बाय मीन्स ऑफ विच द इंटेलिजेंट फिजिशियन इज आस्क फॉर एड। तो वो क्या है, इसके द्वारा साइन एंड सिम्टम्स पैदा करेगा और कुछ नहीं कर सकता, वाइटल फोर्स डिप्रेशन में जाएगा और क्या पैदा करेगा, साइन एंड सिम्टम्स। तो जो हमारा इंटेलिजेंट फिजिशियन है, वो क्या देखेगा, साइन एंड सिम्टम्स को देखेगा, और साइन एंड सिम्टम्स को देख के उसकी हेल्प करेगा, उसको एड करेगा, उसकी मेडिसिन देगा। इफ दिस इज नॉट गिवन, इट स्ट्राइव्स टू सेव बाय इंक्रीजिंग द एलिमेंट स्पेशली थ्रू वायलेंट इवेक्यूएशन, नो मैटर वॉट दिस एंटेज ओपन विद द लार्जेस्ट सेक्रीफाइस और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ इटसेल्फ। अगर इसको सेव नहीं किया गया, तो क्या होगा, इसके एलिमेंट वाइटल फोर्स जो है वो और बिगड़ता जाएगा, और रुइंड होता जाएगा, हेल्थ और बिगड़ती जाएगी। तो क्या होगा, जो लार्जेस्ट सेक्रीफाइस क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। अगर हमने वाइटल फोर्स को हील नहीं किया, अगर किसी को सपोज कोई सपोज डायबिटीज शुरू हुआ, डायबिटीज की शुरुआत में अगर हमने मेडिसिन नहीं दिया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो क्या वो अपने आप ठीक होगा, वाइटल फोर्स जो बीमार है वो, नहीं। अगर उसको कोई एड नहीं दिया गया मेडिसिन, तो क्या होगा, शुगर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्शन में ला देगा। वैसे ही हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन को हमने मेडिसिनल एड नहीं दिया, तो क्या होगा, वो डिस्ट्रक्शन करेगा। तो हर एक डिजीज में फ्रेंड्स ऐसा ही है, कोई भी डिजीज पकड़ लीजिए, अगर उसको हमने शुरुआत के फेज में नेचुरल फॉर्म में अगर उसको ठीक नहीं किया, तो वो धीरे 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 करके डिस्ट्रक्शन करेगा, किसका, इस लाइफ का,
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो ऑर्गन को, उस पार्ट को, कहीं फंगल लग गया, वो लंग्स को सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, वो ऑस्टियोपोरोस्टिक जो बोन हो गए वहां बोन सेक्रीफाइस हुए। ऐसे अगर हम देखे जाए तो रटाइना में अगर डिजीज है, सपोज रटाइनोटिस पिगमेंटोसा है, भले ही हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज है, ये है वो है, अगर हमने उसको इनिशियल स्टेज में ठीक नहीं किया तो क्या करेगा, विजन चला जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी बीमारी पकड़ लीजिए, वो क्या करेगा, आइदर लार्जेस्ट सेक्रीफाइस और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ क्योर। द मॉर्बिडली डिप्रेस्ड वाइटल एनर्जी पजेस सो लिटल एबिलिटी वर्दी ऑफ इमिटेशन, सिंस ऑल चेंजेस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय इट इन द ऑर्गेनिज्म आर द डिजीज इटसेल्फ। कि अगर वाइटल फॉर द पर्पज ऑफ क्योर, पर्पज ऑफ क्योर, अगर हमें पर्पज हमारा पर्पज ऑफ क्योर जो है उसमें क्या है, जो मॉर्बिडली डिप्रेस्ड वाइटल फोर्स है उसके पास बहुत ही लिटल क्षमता है, या फिर वो वर्दी है, वो इतना वर्दी नहीं है कि जो चेंजेस एंड सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस हुए उसको वो अपने से ठीक कर पाए। व्हाट इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड वांट टू इमिटेट इट विथ द इंटेंशन टू हील इफ ही डिड नॉट देयर बाय सेक्रीफाई हिज पेशेंट। तो जो इंटेलिजेंट फिजिशियन है उसको क्या करना चाहिए, सवाल पूछा है, कि उसकी जो पेशेंट है उसकी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना है, उसको हील करना है, तो वो क्या करना चाहिए उसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट सीख ये है कि वाइटल फोर्स है वो अन इंटेलिजेंट है, वो अगर हेल्थ में है तो ये पूरे ऑर्गेनिज्म को हार्मनी में रखेगा, बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में रखेगा, लाइफ को हम जिएंगे, एंजॉय करेंगे। बट अगर ये डरेंज हुआ बाय द नॉक्सियस एजेंट तो ये अपने आप में हील नहीं होना है, और इसको अगर हेटरोजेनस मेडिसिन दे दिया या एंटीपैथिक मेडिसिन दे दिया, और उसको अगर हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ इमिटेट किया, यानी कि एक उसको सिर्फ कॉपी दिया कि हाँ तुम ठीक हो, पर वो ठीक नहीं है, अगर वो पूरा रिवर्स नहीं हुआ, पूरा वाइटल फोर्स बाय द सिमिलर मेडिसिन हेल्दी स्टेट में नहीं गया, तो वो आगे चलते डिस्ट्रक्शन 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 ही पैदा करेगा, या फिर बॉडी के कोई पार्ट को सेक्रीफाइस करेगा। जैसे हम डायबिटीज में देखते हैं कि शुरुआत में एक मेडिसिन चलती है, फिर दो मेडिसिन होती है, चार होती है, फिर उसमें ये भी चलती है, वो डायबिना वो नव रिजेनरेशन के लिए देंगे, कुछ देंगे लिपिड लोअरिंग मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, और उसके साथ ये अपना ब्लड थिनर। तो फिर भी क्या इन सब मेडिसिन के बावजूद क्या किडनी फेलियर को बचा पाए, क्या रटाइना को बचा पाए, क्या नव्स को बचा पाए। तो हनुमान सर बोल रहे हैं कि जिस नॉक्शियस एजेंट ने वाइटल फोर्स को ठीक किया, तो हमें वो नॉक्शियस एजेंट जो क्या था उसको फाइंड आउट करके, कॉज को फाइंड आउट करके मेडिसिन देनी है जो सिमिलर है। देन एंड देन वी कैन क्योर द होल ऑर्गेनिज्म, वी कैन हील द लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।